नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड की। जी दोस्तों, यह है मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड। आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको इसका डिटेल में रिव्यू दूँगा कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर दोस्तों हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं और क्या क्या दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें इस क्रेडिट कार्ड के अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल में रिव्यू दूँगा, इसका पूरी जानकारी दूँगा। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी है दोस्तों, मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों ड्रीम डिफरेंट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या क्या मिलता है और ये देखने में कैसा लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं। दोस्तों मैंने इसको भी ओपन सिर्फ यहाँ से ओपन कट करके देखा है, बाकी इसको ओपन नहीं किया वैसे अंदर से। तो मैं आपके सामने इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको चेक नहीं किया था जब जाया था, बट मैं आज आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं इसके अंदर हमें कुछ पेपर मिलते हैं। जी दोस्तों इसका क्रेडिट कार्ड ये देखिए जो दोस्तों ड्रीम डिफरेंट जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। और दोस्तों इस पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस पर जानकारी दी गई है कि आपको इसमें कितनी लिमिट मिलती है, क्या क्या मिलता है, ये सब मैं दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि इसमें हमें दोस्तों कितनी लिमिट मिलती है, कितनी दोस्तों हमें इसमें फीचर देखने को मिलता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं पेपर वगैरह जिनको आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। और दोस्तों देखने में क्रेडिट कार्ड इस तरह का होता है जैसे डेबिट कार्ड होता है, सेम उसी तरीके से होता है, बट जो है दोस्तों क्रेडिट कार्ड वर्क सेम दोस्तों उसी तरीके से करता है जैसे हमारे डेबिट कार्ड होते हैं बैंक के, सेम उसी तरीके से वर्क करता है। अब मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ इसके फीचर्स के बारे में कि इसमें हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके फीचर की बात करूं तो दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हो, 100 रुपये अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये का ऑफलाइन दोस्तों कोई सामान खरीदते हो या कोई दोस्तों आप 100 रुपये का कोई स्पेंड करते हो ऑफलाइन में तो आप दोस्तों वहाँ पे दोस्तों आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और वहीं दोस्तों दूसरे ऑफर की बात करूँ तो जब आप जी क्रेडिट कार्ड आपके पास आता है तो उसके 45 दिन के अंदर अगर आप इसे 5,000 तक की शॉपिंग करते हो तो आपको 500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों ये कुछ इसके ऑफर हैं। अब दोस्तों इसके कुछ इंटरेस्ट फीस की बात करूँ तो इस क्रेडिट कार्ड में दोस्तों आपको जितनी लिमिट मिलती है उसका 90% रुपया आप ATM से विड्रॉ कर सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको 10,000 रुपये पर 300 रुपये फीस लगेगी विड्रॉ करने पर। और दोस्तों अगर आप कोई भी दोस्तों अगर आप इसमें कोई सामान खरीदते हो, कोई शॉपिंग करते हो, अगर आप उसको पैसा वो पैसा दोस्तों आप 48 दिन के अंदर लौटा देते हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना। और दोस्तों बैलेंस ट्रांसफ़र करने पर अगर आप 10,000 रुपये करते हो तो आपको 350 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप अपना पेमेंट लेट करते हो, आप फीस टाइम पर पेमेंट नहीं करते तो आपके इंटरेस्ट पर कंटिन्यू चार्ज लगता रहेगा, जो दोस्तों इसमें मेंशन किया हुआ है। और इसमें तो कुछ नंबर दिए गए हैं दोस्तों जिन पर कॉल करके आप अपने इस क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक भी करा सकते हो। अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है तो आप इस नंबर पर कॉल करके इसे ब्लॉक भी करा सकते हो। और दोस्तों इसमें हमें एड ऑन कार्ड का ही फीचर दिया गया है कि आप अपने कार्ड की इस कार्ड की हेल्प से ही एड ऑन कार्ड का फीचर ले सकते हो, यानी दोस्तों आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को भी एक कार्ड दिला सकते हो इसी कार्ड के ऊपर, जिसमें दोस्तों आप उसकी लिमिट वगैरह खुद अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हो फ्यूल चार्ज एंड रेलवे का भी जो दोस्तों ऑफर होता है वो भी इसमें दिया गया है, जिसमें दोस्तों आपको 1% तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है अगर आप 500 से 3,000 रुपये तक के बीच में कोई जो ट्रांजेक्शन करते हो मंथली की, तो दोस्तों उसमें आपको 1% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों जो कुछ इसके ऑफर हैं जो हमें इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलते हैं,
अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये कौन लोग ले सकते हैं। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ये कोई भी ले सकता है। इसके लिए दोस्तों ना तो आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत है, ना ही दोस्तों आपको आपके ITR की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही दोस्तों आपकी जो सैलरी मिलती है उसकी स्लिप की जरूरत पड़ेगी। आप इस क्रेडिट कार्ड को बिना किसी डॉक्यूमेंट के ले सकते हो। बस आपकी उम्र 18 से 75 साल के बीच होनी चाहिए और आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जियो डिफरेंट ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है, इसमें दोस्तों हमें FD जमा करानी पड़ती है, उसी के आधार पर हमें दोस्तों इसकी लिमिट मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको कम से कम 10,000 रुपये तक की FD करानी पड़ेगी कोटक महिंद्रा बैंक में। और दोस्तों उसका 90% रुपया आपको लिमिट मिलेगी, यानी दोस्तों अगर आप 10,000 रुपये जमा कराते हो तो आपको 9,000 रुपये तक की लिमिट मिलेगी इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो इस तरह का कुछ सीन होता है दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में। ऐसा नहीं है कि इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना, आपको FD करानी पड़ेगी। अगर आप 10,000 से ऊपर कितने भी करा सकते हो, बट दोस्तों कम से कम आपको 10,000 रुपये कराने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इसके रूल्स वगैरह हैं। अब दोस्तों 10,000 रुपये की अगर आप इसमें FD कराते हो तो बैंक आपको उन 10,000 रुपये का इंटरेस्ट भी देगी, बट आपको बिना FD के ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं होगा। और FD कराने पर दोस्तों आपको 90% रुपया आपको इसकी लिमिट में मिल जाता है। तो दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों मैं आपको सोच करो, अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड को 10,000 रुपये तक FD करा के लिया, अब आपको दोस्तों से मिलती है 9,000 रुपये की लिमिट। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग होते हैं जो फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह से शॉपिंग करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई भी मोबाइल खरीदोगे तो दोस्तों उसकी जो रेट होती है, प्राइस होती है, वो 10,000 रुपये से ऊपर होती है, बट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 9,000 रुपये। तो दोस्तों ऐसे में आप इस क्रेडिट कार्ड से उस मोबाइल को नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपकी लिमिट काफ़ी कम है और उस दोस्तों जो मोबाइल वगैरह है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको दिक्कत दे सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, टैबलेट मोबाइल कंप्यूटर वगैरह खरीदते हैं। दोस्तों ऐसे में आप इस क्रेडिट कार्ड से उसको नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको लिमिट मिल रही है वो काफ़ी कम मिल रही है। और अगर आपको मोबाइल वगैरह के लिए लिमिट चाहिए तो दोस्तों कम से कम आपको 50,000 रुपये तक की FD करानी पड़ेगी, तब जाकर दोस्तों आपको वो सारे फीचर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।